नमस्कार दोस्तों, फिंगरलिशेस किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मिक्स वेज। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई गई ये मिक्स वेज। इस मिक्स वेज को बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियों का इस्तेमाल किया है, जैसे बीन्स, गाजर, गोभी, शिमला मिर्च और पनीर। ये सब्ज़ी अपने आप में बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने जीरा, छोटी इलायची और धनिया डाला है। इन मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद इनको ठंडा होने के लिए एक साइड में रखना है। अब इस पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालना है। अब कटी हुई सब्जियां इसमें डाल देनी है, जैसे बीन्स, गोभी और गाजर। इनको हिलाते हुए अच्छे से सौटे कर लेना है। ये सब्जियां हमारी पक जानी चाहिए, धीमी आंच पर हमने इनको पकाना है। इसको पकाने में तकरीबन हमारे 6-7 मिनट लगेंगे। सब्जियां हमारी नरम हो जानी चाहिए। सब्जियों को सौटे करने के बाद इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और एक साइड पे रख देते हैं। और इसी पैन के अंदर थोड़ा सा तेल फिर से डालेंगे और इसमें डालेंगे हम कटे हुए प्याज। और इन प्याजों को हमने गुलाबी होने तक भूनना है। इनको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, धीमी धीमी आंच पर गुलाबी होने तक हमने इसको, गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इनको भून लेना है। प्याज भूनने के बाद इनको हमने एक मिक्सी के जार में डालना है। थोड़े से इसमें काजू डालने हैं और इसको ड्राई पीस लेना है। ड्राई पीसने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और फिर से पीस लेना है ताकि इसका पेस्ट बन जाए। अब जो हमारे मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए हैं उनको हमने दरदरा पीस लेना है। अब एक पैन में फिर से तेल डालेंगे, थोड़ा सा उसमें ये कूटे हुए मसाले डालेंगे, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट डालकर इसको मिक्स करेंगे। इसको भूनना नहीं है, सिर्फ मिक्स ही करना है। इसको मसाले में मिक्स करने के बाद जो हमने प्याज का मसाला तैयार किया है वो मसाला इसके अंदर डाल देना है। अच्छे से मिक्स करना है। ये मसाला हमारा पहले से भुना हुआ है इसलिए इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, नमक और बटर। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये एक हमारा बढ़िया सा मसाला तैयार हो गया है। अब तेल छोड़ने तक हमने इस मसाले को भूनना है। मैंने इस सब्ज़ी में बहुत कम मसालों का इस्तेमाल, बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हरी मिर्ची डाली है और जो सब्ज़ी हमने सौटे करके रखी है वो इसमें डाल दी है। अब इस मसाले में इस सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ये हमारी सब्ज़ी मसाले में बढ़िया से मिक्स हो गई है। मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी ग्रेवी बनानी है तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। इसके अंदर पानी आप सब्ज़ी की क्वांटिटी के हिसाब से ही डालें। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको ढक कर 6-7 मिनट के लिए हम धीमी आंच पर पका लेंगे ताकि हमारी सब्जियां अच्छे से पक जाएं। 6-7 मिनट के बाद मैंने इसमें कटी हुई शिमला मिर्च और पनीर डाल दिया है। इसको मिक्स करके एक बार फिर से ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर फिर से पका लेंगे। 5 मिनट के बाद ये हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। शिमला मिर्च बिल्कुल क्रंची रहनी चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारी सब्ज़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।